अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज 1 अक्टूबर 2021 है और इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं और गुलाब का जो तूफ़ान था उसकी बारिश शुरू हो चुकी है। परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 2-in-1 एमरजेंसी राउटर की, उसके ऊपर फेसबुक पर और यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम मांगा है। तो साथियों, इसका सर्किट डायग्राम इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरह से ये सर्किट मैंने बनाया है और किस तरह से ये काम करता है। तो साथियों, ये है इसका पूरा सर्किट डायग्राम 3-in-1 का। इसके अंदर इमरजेंसी लाइट भी है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है, इसके अलावा बैटरी चार्जिंग भी होती है और राउटर और ONU के लिए बैकअप पावर भी प्रोवाइड करती है। तो आइए इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि कौन सा सेक्शन किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम ये रिले ले लेते हैं। इसके अंदर न्यूट्रल और फेस के बाद हमने एक स्विच लगाया है और उसके ऊपर रिले की कॉइल लगा दी है, पिन नंबर 7 और 8। ये जो पिन नंबर्स हैं रिले के ऊपर मेंशन होती हैं, मैंने उसी के ऊपर से कॉपी करके यहाँ लिख दी ताकि आसानी रहे बनाने के अंदर। स्विच 1 जो है ये इसलिए लगाया गया है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हों और आपको ऑटोमेटिक फंक्शन ना चाहिए तो इस स्विच को ऑफ़ करके फिर आप घर से बाहर जाइए। ये याद रहे कि जैसे ही आप स्विच को ऑफ़ करेंगे तो जितनी भी लाइटें अगर आपकी ऑन हैं इमरजेंसी सेटअप के ऊपर तो वो ऑन हो जाएंगी, तो उन तमाम लाइटों को आपको इंडिविजुअली ऑफ़ करना होगा वरना वो ऑन हो जाएंगे। तो मकसद यही है कि अगर आप बाहर हों और लाइट चली जाए तो आपकी बैटरी ड्रेन ना हो जाए, इसलिए ये स्विच लगाया गया है। तो जब तक के इलेक्ट्रिक या वापडा आती रहेगी ये रिले जो है वो एनर्जाइज रहेगा। और इसके जो टर्मिनल्स हैं वो पिन नंबर 2 और 6 से मैंने यहाँ दिखाएँ आपको, ये इसकी बैटरी की जो पावर से आ रही है, बैटरी से प्लस से जो पावर आ रही है वो उस पर फ्यूज़ लगाया है और फ्यूज़ के बाद ये स्विच लगाया है। तो जब पावर मौजूद होगी, की इलेक्ट्रिक मौजूद होगी तो रिले एनर्जाइज रहेगा और ये स्विच जो है ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा और पावर जो है आगे ये जो बेडरूम 1, बेडरूम 2 और किचन के अंदर जो मैंने LED बल्ब्स लगाए हैं इनको जाना बंद हो जाएगी। जो ही वापडा की इलेक्ट्रिक जाएगा तो रिले ऑफ हो जाएगा, रिले ऑफ हो जाएगा तो उससे रिले का जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज की होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बैटरी की पावर फ्यूज़ से होते हुए इन तीनों LEDs को मुख्तलिफ कमरों के अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन इनकी सीरीज़ में देखें आप, मैंने एक एक स्विच लगाया हुआ है, ये इसलिए लगाया कि आपका जो हो सकता है आप जो हर कमरे में आपको ज़रूरत ना हो, तो जिस कमरे में आपको ज़रूरत ना हो तो आप इस स्विच को ऑफ़ करके वहाँ की LED ऑफ कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी ड्रेन ना हो। अब आते हैं मीटर के ऊपर। ये वोल्ट मीटर डायरेक्टली जो है बैटरी के ऊपर लगाया गया है और बैटरी के वोल्टेज हमें बताता रहता है कि इस वक्त बैटरी की क्या कंडीशन है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये मैनुअल ऑपरेशन होगा, मैं वक्तन फवक्तन जो है बैटरी के वोल्ट मीटर के ऊपर नज़र डालता रहता हूँ और देखता हूँ कि जैसे ही वोल्टेज 12.6 वोल्ट से कम होते हैं तो मैं बैटरी की चार्जिंग ऑन कर देता हूँ। उसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि चार्जिंग किस तरह से ऑन होती है। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये आपको बताता रहता है कि इस वक्त बैटरी की क्या पोजिशन है। जो ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, 13.1 मैंने इसका कट ऑफ पॉइंट रखा है क्योंकि मैंने जो है राउटर का ही पावर अडेप्टर यूज़ किया है, इसलिए 13.1 वोल्ट से ज़्यादा ये राउटर अडेप्टर हमें पावर नहीं देता। तो मैंने इसको 13.1 तक देखता हूँ, जैसे ये पहुँचता है तो मैं बैटरी की चार्जिंग जो है SW2 से ऑफ कर देता हूँ। अब आते हैं ये कनेक्शन राउटर और NU के ऊपर। ONU के ऊपर कुछ साथियों ने कहा कि आपका जो अडेप्टर है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा क्योंकि आपने राउटर और ONU को शॉर्ट कर दिया है और एक ही अडेप्टर से चला रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि मैंने राउटर और ONU की पावर कंजप्शन को पहले चेक किया था और चेक किया था कि इसका करंट कितना है, तो इन दोनों की करंट कंजप्शन जो है पावर अडेप्टर्स की कैपेसिटी से कम है, इसलिए मैंने इस अडेप्टर को कंबाइन करके दोनों के ऊपर लगा दिया है। जब मुझे बैटरी चार्ज करनी होती है तो ये अडेप्टर जो है राउटर ONU और बैटरी तीनों चीज़ों को सप्लाई देता है और फिर भी इसकी कैपेसिटी जो है इनफ होती है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया आपका बैटरी चार्जिंग का। इसके अलावा रीसेट की बात कर लें अगर, तो रीसेट करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अडेप्टर जो 220 की पावर है इसको सिंपली मैं ऑफ़ कर देता हूँ और ये जो SW2 है ये लाजमन इसको ऑफ होना चाहिए ताकि इसकी पावर जो है ONU राउटर की को बैटरी की पावर भी डिस्कनेक्ट हो जाए। इस तरह से हम राउटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये है पूरे इस सर्किट का डिस्क्रिप्शन और मुझे अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर एक तो मैंने बिला मुआवजा आपको इसका सर्किट प्रोवाइड किया है, इसी सर्किट के लोग जो हैं फेसबुक के ऊपर पैसे मांगते हैं और फ्री में प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैं आपको बिला मुआवजा ये सर्किट प्रोवाइड कर रहा हूँ और पूरी डिटेल भी समझा दी मैंने किस तरह से ये काम करते हैं। तो
एक लाइक तो ज़रूर बनता है इसका, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हौसला अफजाई होगी मेरी। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अच्छा, जाते जाते मुझे एक सवाल याद आ गया, कस्टमर ने पूछा था कि इसका बैकअप कितना है। तो अगर आप राउटर और ONU को आप सिर्फ चलाएँ तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें आसानी से निकल जाते हैं, और अगर आप सिर्फ LED लाइट्स को चलाएँ तो 3 से 4 घंटे जो हैं ये बआसानी निकाल लेते हैं। इसके अंदर मैंने 7.2 एम्पेयर आवर की बैटरी लगाई हुई है, जो कि स्मॉल UPS के अंदर लगाई जाती है। इसकी बैटरी की कीमत तकरीबन 1800 से लेके 2200 रुपये तक है मार्केट के अंदर।